हेलो दोस्तों, क्रिकेट ओनली एडी चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत और लीचेस्टर शहर के बीच अभ्यास मैच ड्रॉ पर समाप्त हो गया है। मैच के चौथे दिन रविवार 26 जून को लीचेस्टर शहर को जीत के लिए 367 रन बनाने थे। उसने 4 विकेट पर 219 रन बनाए। 66 ओवर के बाद दोनों कप्तानों ने ड्रॉ पर सहमति जताई। दूसरी पारी में लीचेस्टर शहर के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा रन बनाए। उन्होंने 62 रनों की पारी खेली। भारत के लिए रविचंद्रन अश्विन ने 2 विकेट लिए। कोरोना से ठीक होने के बाद अश्विन ने अपनी फिटनेस को साबित कर दिया है। उन्होंने 11 ओवर की गेंदबाजी में अपना जलवा दिखा दिया। भारत ने पहली पारी में 8 विकेट पर 246 रन बनाए थे। इसके बाद लीचेस्टर शायर पहली पारी में 244 रन पर ढेर हो गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी को 7 विकेट पर 364 रन के स्कोर पर घोषित कर दिया। इस तरह लीचेस्टर शायर को जीत के लिए 367 रन का लक्ष्य मिला था। टीम इंडिया अब एजवेस्टन जाएगी। वहां टीम इंडिया 1 से 5 जुलाई तक 5वां टेस्ट मैच खेलेगी। टीम इंडिया पिछले साल अगस्त सितम्बर में इंग्लैंड के दौरे पर गई थी। तब 4 टेस्ट के बाद भारतीय टीम 2-1 से आगे थी। 5वां मुकाबला कोरोना वायरस के कारण नहीं खेला जा सका था। दूसरी पारी में शुभमन गिल ने 77 गेंद पर 62 रन बनाए। उन्हें अश्विन ने क्लीन बोल्ड कर दिया। अश्विन इस मैच में कोविड-19 के कारण नहीं खेल रहे थे, लेकिन अंतिम दिन उन्हें अभ्यास करने का मौका मिल गया था। उनके बाद सैमुअल इवंस 82 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें अश्विन ने श्रीकर भरत के हाथों स्टंप कराया। हसन आजाद 12 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर की गेंद पर आउट हुए। हनुमा विहारी 86 गेंद पर 26 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 1 छक्का लगाया। विहारी को रविंद्र जडेजा ने श्रीकर भरत के हाथों कैच कराया। हनुमा भारतीय टीम के ओर से भी बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। उन्हें फिर से अभ्यास करने का मौका दिया गया, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। भारत के लिए दूसरी पारी में पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 66 रन बनाए। श्रेयस अय्यर ने 62 और रविंद्र जडेजा ने 56 रन बनाए। श्रीकर भरत ने 43, शुभमन गिल ने 38, शार्दुल ठाकुर ने 28, चेतेश्वर पुजारा ने 22 और हनुमा विहारी ने 20 रन बनाए। पुजारा लीचेस्टर शहर की टीम में थे, लेकिन अभ्यास के लिए उन्होंने भारतीय टीम की ओर से भी बल्लेबाजी की। ऐसा ही शुभमन गिल के साथ हुआ। गिल भारत के टीम में थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने लीचेस्टर शहर के लिए भी ओपनिंग की। ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स और हाइलाइट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।